हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विच इज सिंपल लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर क्लास 6 के विजुअल इफेक्ट्स इन प्रेजेंटेशन। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का ये चैप्टर। तो समझते हैं कि इस चैप्टर में हम एमएस पावर पॉइंट के अंदर जो प्रेजेंटेशन है उसको बनाने के लिए हम कैसे कैसे इसमें यूज करते हैं, जो अलग अलग हमारे पास ऑप्शन दिए रहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, आपका जो ये कंप्यूटर है या कि लैपटॉप है, उसमें पावर पॉइंट का ये होता है लोगो, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, आपकी जो स्लाइड जो भी आपने बनाई होगी वो सेव होती हो जो हुई रहती है उसको आप ओपन करोगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो फाइल है आपके पास, ठीक है, तो आप इसमें जाएंगे और उसके बाद आपके पास जो भी प्रेजेंटेशन आपने बना रखी है, जैसे कि मैंने इस वाले चैप्टर पे ये प्रेजेंटेशन बना रखी है आप लोगों को समझाने के लिए, तो मैंने इसी में काम किया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि आपके पास इस चैप्टर में क्या क्या दिया गया है। तो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। विजुअल इफेक्ट्स इन प्रेजेंटेशन, विजुअल इफेक्ट्स इन प्रेजेंटेशन चैप्टर के अंदर आप क्या क्या पढ़ोगे, आप अलग अलग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट का मतलब दिखाना, जो भी आपने जो मैटर बनाया, इंफॉर्मेशन कैसे आप प्रेजेंट करते हो उसको, आपको प्रेजेंट करने का वे कैसा है, आपने उसके लिए क्या क्या एनिमेशन, क्या ट्रांजिशन लगाए हैं जब हम एमएस पावर पॉइंट में कोई भी स्लाइड बनाते हैं। तो बच्चों, ये जो स्लाइड है, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो साइड में भी, ये जो लेफ्ट साइड में जो सारी स्लाइड है, ये हम यूज करते हैं, यानी कि एमएस पावर पॉइंट में हमारी जो स्लाइड है वो पेज की तरह हमें दिखती है। तो आओ बच्चों, चैप्टर शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज द मोस्ट कॉमनली यूज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यू कैन क्रिएट अ प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन यूजिंग दिस एप्लीकेशन। अ प्रेजेंटेशन इज ए कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स अरेंज्ड इन अ सीक्वेंशियल मैनर टू कन्वे न्यू आइडियाज एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली। जो प्रेजेंटेशन होती है वो एक कलेक्शन है बच्चों, किसका कलेक्शन है, बहुत सारी स्लाइड्स का कलेक्शन है। और वो कैसे किस वे में रखी गई है, सीक्वेंस, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक उसमें रखी गई है, ठीक है बच्चों। ए स्लाइड इज ए is like a page in a presentation containing the brief information that you want to communicate to your audience। और slide एक page की तरह होती है, जैसे बच्चों ये page है, इसके बाद ये next page है, तो ये page की तरह दिख रही है, ठीक है। और ये जो जो भी इसमें इंफॉर्मेशन होगी आप प्रेजेंट करेंगे, जो भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे अपने आइडियाज को ऑडियंस तक पहुंचाएंगे। इन द प्रीवियस क्लास, आपने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया होगा कि हम पिक्चर शेप चार्ट कैसे अपनी प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए। और आपके पास जो ये चैप्टर में पावर पॉइंट का जो वर्जन दे रखा है वो 2010 है, ठीक है बच्चों। और अभी तो इसके नए नए वर्जन भी आ गए हैं, 2021, 2019, इसके इतने सारे वर्जन। वर्जन इसलिए चेंज होते हैं बच्चों की थोड़ा बहुत उनमें क्या चेंज होते हैं, उनके जो ऑप्शन रहते हैं, मतलब उनको जब हम यूज करेंगे तो उनमें और ज्यादा हमें फैसिलिटीज दी रहती है, जैसे डिजाइन से हो गया और भी बहुत सारे ऑप्शन, ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी बना सके। यू कैन व्यू योर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट व्यूज, आप अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको डिफरेंट व्यूज में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड शो व्यू, इतने टाइप के व्यूज आते हैं इसमें बच्चों। मोस्ट ऑफ द व्यूज आर अवेलेबल इन प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप ऑन द व्यू टैब। तो बच्चों, ये जो टास्क बार है इस पावर पॉइंट का, यहाँ पे ये जो टैब दे रखा आपको, ये क्या है, व्यू टैब, ठीक है। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल व्यू है इसका, ठीक है, किसका, स्लाइड का। तो आपको यही दे रखा है, बाय डिफॉल्ट यूजर वर्क्स इन नॉर्मल व्यू। जो भी हम यूजर हैं, हम जो इसको यूज करते हैं पावर पॉइंट को, हम नॉर्मल व्यू में इसको बनाते हैं। नॉर्मल व्यू, जैसे कि ये नॉर्मल व्यू है बच्चों, आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन यानी कि एमएस पावर पॉइंट जब ओपन करेंगे तो सबसे लेफ्ट साइड में दे रखा है जो सबसे फर्स्ट टैब है, यानी कि नॉर्मल, वो किसके अंदर आया, पहले हमने व्यू टैब को क्लिक किया, फिर उसके बाद ये नॉर्मल व्यू हमें दिखाई देंगे। उसमें भी अलग अलग है, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज रीडिंग व्यू, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों इनके बारे में। तो ये एमएस पावर पॉइंट के अंदर आते हैं। नॉर्मल व्यू, द नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ द पावर पॉइंट। जो नॉर्मल व्यू है वो क्या है, एक डिफॉल्ट व्यू है पावर पॉइंट का। इट इज द मेन, डिफॉल्ट का मतलब जैसे हमने व्यू पे क्लिक किया तो ये सबसे पहले नॉर्मल क्लिक हो गया, ये डिफॉल्ट हो गया, इसको हमने स्पेशल क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। इट इज द मेन एडिटिंग व्यू, ये एक मेन एडिटिंग व्यू है जिसको यूज किया जाता है डिजाइन करने के लिए साइट को, ताकि हम प्रेजेंट कर पाए, हमारे और अच्छा इंपैक्ट पड़े ऑडियंस पे। इन दिस वे यू कैन ऐड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, एनिमेशन एंड अदर इफेक्ट्स टू योर स्लाइड। और इस वे में आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट, ग्राफिक, साउंड, एनिमेशन, ये यूज कर सकते हो अपनी स्लाइड्स में, ठीक है। इट प्रोवाइड्स यू अ लार्ज व्यू ऑफ एन इंडिविजुअल स्लाइड, और ये आपको क्या देगा, एक लार्ज व्यू देगा, एक बड़ा व्यू देगा, ठीक है, एक बड़ा व्यू देगा प्रेजेंट करने के लिए अपनी स्लाइड को।
इन स्लाइड इट प्रोवाइड्स यू अ लार्ज व्यू ऑफ इन स्लाइड पेन। ठीक है, अगर बच्चों यहाँ ये ऑप्शन है, अगर मैं स्लाइड को और बड़ा दिखाना चाहूँ इतना, ठीक है, तो मैं इसको और बड़ा दिखा सकती हूँ। ठीक है, ये छोटा हो जाएगा, ये और बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा। ठीक है, तो आप इसके जो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो आपके राइट कॉर्नर में सबसे बॉटम में दे रखा है ना, ये जो साइन है इससे। ठीक है बच्चों, नोट पेन एट द बॉटम, और आपको यहाँ पे नोट पेन भी दे रखा है, ये देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने पहले से ही जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं कुछ और भी लिख सकती हूँ, जैसे टीएबी टैब, तो मुझे अगर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखनी है तो मैं आगे लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बॉटम में दे रखा है नोट करने के लिए। और स्लाइड डिस्प्लेज है थंबनेल, नॉर्मल व्यू में जो आपकी स्लाइड है ये थंबनेल की तरह, थंबनेल जैसा दिखता है ना फ्रंट पेज में, जो भी पेज का व्यू दिखता है वैसे टाइप में। ठीक है, क्लिक द थंबनेल ऑफ स्लाइड टू व्यू इट इन द स्लाइड पेन। ठीक है, अगर हम स्लाइड पेन में दिखना चाहते हैं तो मैंने जैसे क्लिक किया तो ये जो स्लाइड है मेरी आ गई है वहां पे। टू ओपन दिस व्यू, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि इस व्यू को ओपन करने के लिए हम, मैंने बता दिया जैसे आपको व्यू में गए उसके बाद नॉर्मल व्यू पे क्लिक किया, वैसे भी क्लिक किया कि वो अपने आप ही क्लिक रहेगा। क्लिक ऑन द नॉर्मल व्यू बटन लोकेटेड एट द बॉटम राइट ऑफ द स्लाइड विंडो। ठीक है, और जो नॉर्मल व्यू बटन है वो आपको बॉटम स्लाइड राइट ऑफ द स्लाइड विंडो में दिया रहेगा। ये स्लाइड सॉर्टर हो गया बच्चों, ये हो गया नॉर्मल व्यू। ठीक है, देख रहे हो ना आप, इसका सिंबल और इसका सिंबल दोनों का मैच हो रहा है। तो बच्चों हमने इस वाले चैप्टर में, अभी हमने स्लाइड में ही पढ़ा कि नॉर्मल व्यू होता क्या है। ठीक है, ये नॉर्मल व्यू हो गया, अब हम पढ़ेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू। बच्चों नॉर्मल व्यू हो गया, अब हम पढ़ेंगे स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू डिस्प्लेज अ मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन इन हॉरिजॉन्टली सीक्वेंस थंबनेल्स। जो स्लाइड सॉर्टर व्यू है बच्चों, तो वो क्या दिखाएगा, आपके जो सारी स्लाइड है उनको दिखाएगा, जैसे ये। ठीक है, ये दिखाया उसने, तो ये हमारे पास अलग अलग स्लाइड सॉर्टर व्यू, जैसे नॉर्मल व्यू हमने पढ़ दिया, ये है स्लाइड सॉर्टर व्यू। इसमें हमने क्या किया, जो स्लाइड है उनको दिखा रहा है वो आपको, ये देखिए ये ऐसे करके। तो हमने अभी पढ़ा स्लाइड सॉर्टर व्यू हमें कैसे दिखेगा। सेलेक्ट द स्लाइड शो टैब इट शोज, और आपके ये जो बॉटम है यहाँ पे भी दे रखा है, ये देखिए ये है ना, ये स्क्वायर स्क्वायर शेप में ये साइन, तो ये आपको स्लाइड सॉर्टर व्यू का नीचे भी ऑप्शन दे रखा है बॉटम राइट, इस विंडो की बॉटम राइट में। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल वाला, ये हो गया स्लाइड सॉर्टर व्यू वाला। सेलेक्ट द स्लाइड शो टैब इट डिस्प्लेज, सॉरी स्लाइड सॉर्टर व्यू पढ़ रहे थे ना, टू विच इट इज हेल्पफुल इफ यू नीड टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्लाइड्स। ये तब भी हेल्प करेगा अगर आप इन स्लाइड के ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, कैसे, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये, जैसे आपको इसको इधर एक्सचेंज कराना है तो चले गया, ठीक है, इसको इससे पहले लाना है तो चले गया, तो आप इनका जो ऑर्डर है उनको भी चेंज कर सकते हो, किसमें, स्लाइड सॉर्टर व्यू ऑप्शन में बच्चों। ठीक है, आप इस वाले में इनको ऐसे चेंज कर सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, इफ इट इज हेल्पफुल इफ यू नीड टू, ये तो मैंने बता दिया ऑर्डर, और आपको डिलीट करनी है ट्रांजिशन या टाइम कुछ भी ऐड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। टू स्विच इन टू दिस व्यू क्लिक ऑन द व्यू टैब, इस पर भी आप कैसे जा पाओगे, ये जो व्यू टैब है इस पर क्लिक करोगे और ऐसे इस स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्लिक करोगे। ठीक है बच्चों, तो आपके पास ये दे रखा है, प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप में जाओगे, ये जो प्रेजेंटेशन के व्यूज अलग अलग हैं इसमें जाओगे, ये प्रेजेंटेशन व्यूज है ना इस टैब का नाम, तो इसमें जाओगे, इसमें आपको सारे टाइप के व्यू मिलेंगे, जो भी आप प्रेजेंटेशन आपने बना रखी है, जो भी स्लाइड बना रखी है उसको अलग अलग व्यू में दिखाने के लिए। ऑल द स्लाइड्स ऑफ योर प्रेजेंटेशन विल बी डिस्प्लेड इन थंबनेल, वो ऐसे थंबनेल शेप में विद अ थिक बॉर्डर, जैसे ये है थिक बॉर्डर, ये देखिए बच्चों, ये ब्राउन कलर का जो बॉर्डर दिख रहा है ना जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए ऐसे ये शो होगा, तो यही आपकी बुक में बताया गया है। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा स्लाइड सॉर्टर व्यू के बारे में, अब हम पढ़ेंगे नोट्स पेज व्यू के बारे में। द नोट्स पेज व्यू डिस्प्लेज द नोट्स दैट यू हैव एडेड इन योर स्लाइड्स। अब आपको कोई नोट, जैसे कि यहाँ पे नोट पेज लिखा हुआ है, इसमें आपको कुछ भी करना है, दिस इज व्यू ऐसे करके कोई भी टाइप करना है, तो आप नोट्स भी लिख सकते हो और वो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें नीचे से दिखाई देगा कि आपने अगर इस चीज को समझाया तो इसका और मीनिंग भी क्या हो सकता है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो एड योर नोट्स बाय क्लिकिंग ऑन द क्लिक टू एड नोट्स पेन। ठीक है, और आप इसको यहाँ पे भी, आपको ये दे रखा ना ये सिंबल में ये नोट्स लिखा रहा है, तो आप इसमें भी क्या कर सकते हो, इसको एड कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे व्यू टैब में दिया है। You can also add your by, ये तो at the bottom right of ये bottom right में इधर, you can print your notes or include the notes in a presentation that you send to the audience। आप यहाँ पे अगर कुछ भी लिखोगे नोट पेज, ये जो लिखोगे आप, तो ये आप जब आप ऑडियंस को प्रेजेंट कराओगे उनको भी दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो हमने पढ़ा भी नोट पेज व्यू, यानी कि उस पेज में जो भी पेज हमने बनाया, यानी कि जो स्लाइड है उसमें आप अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहो तो आप नीचे से लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में जैसे दिख रहा है कि पढ़ने के लिए, आप इस व्यू को यूज करते हैं, यानी कि ये भी प्रेजेंटेशन व्यू में आएगा। यूजिंग दिस व्यू यू कैन व्यू द प्रेजेंटेशन एज अ स्लाइड सो दैट
इट दैट फिट्स विद इन अ विंडो, इट कंटेन सम बटन्स एंड बॉटम राइट कॉर्नर। ये देखिए बच्चों, ये बुक की तरह दिख रहा है ना, ये ऐसे, ये रीडिंग व्यू हो गया। आप इसको, ये जो हमारी स्लाइड है ना, ये फुल हो गई, यानी कि फुल स्क्रीन पे आ गई है, ठीक है। तो हमको ऐसे दिख रहा है। अगर आपको इसके नेक्स्ट में जाना है, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है बॉटम में, बॉटम राइट में जाना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चों। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपने कैसे कैसे उसको यूज किया है, किसको, रीडिंग व्यू को। टू एंटर इनटू रीडिंग व्यू, आइदर क्लिक ऑन द रीडिंग व्यू, या तो आप यहाँ पे कर सकते हो क्लिक, या तो आपके बॉटम, इस राइट कॉर्नर में जो बॉटम में दे रखा है ये वाला साइन। तो बच्चों इससे हम क्या करते हैं, रीड करते हैं जो भी हमने प्रेजेंटेशन बनाई उसको एक बार देखने के लिए। स्लाइड शो व्यू, अब बच्चों हमारे पास क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इतने सारे हमें टैब दे रखे, हमें स्लाइड शो व्यू टैब में इसमें जाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। ये आपके ये जो फर्स्ट लाइन है इसमें बताया गया है। स्लाइड शो में क्या होता है बच्चों, स्लाइड शो में ये होता है कि आपकी जो स्लाइड बना रखी है वो आपकी फुल स्क्रीन पे प्रेजेंट होंगी एक के बाद एक, ठीक है। जैसे कि आपको जो मेरी शुरू की स्लाइड है, अगर मैं फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक करती हूँ तो वो वहां से स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये है मेरी फर्स्ट स्लाइड, जब मैंने फ्रॉम बिगनिंग को क्लिक किया तो मेरी जो स्लाइड है वो शुरू हो रही है जहां से वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर करंट स्लाइड, अब करंट स्लाइड जैसे कि मैंने ये ओपन की है, अब जब ये ओपन है यानी कि मैं अभी इस वाली स्लाइड पर, मुझे यही वाली स्लाइड देखनी है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये देखिए, ये मुझे लार्ज स्क्रीन पे भी दिखेगी और वही जो मैंने खोली है, करंट का मतलब जो मैंने खोली है उसी को ही दिखाएगा ये, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, हमने पढ़ा स्लाइड शो व्यू के बारे में। स्लाइड शो व्यू में एक के बाद एक हमारी जो स्लाइड है वो दिखती है। ब्रॉडकास्ट स्लाइड व्यू, सो दिस फीचर ब्रॉडकास्ट द स्लाइड शो टू रिमोट व्यूअर्स विच कैन वॉच इट थ्रू द वेब ब्राउजर। अब जिनको वेब ब्राउजर के थ्रू देखना होगा, ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो व्यू, सॉरी ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो तब यूज करते हैं हम, ठीक है, जब हमें दूर दराज वाले दर्शकों को दिखाना होगा। कैसे, वेब ब्राउजर को यूज करके। कस्टम स्लाइड शो, कस्टम स्लाइड शो इट डिस्प्लेस ओनली द स्लाइड्स दैट यू सेलेक्ट, ये है ऑप्शन कस्टम स्लाइड शो का, ठीक है ये है। अब इस पे आपको न्यू पे क्लिक करना है और जो स्लाइड दिखानी है केवल वही दिखाएगा। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया, इस पे इनको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, और ओके किया शो, तो ये उन्हीं को ही दिखाएगा जिनको मैंने क्लिक किया है। ये देखिए बच्चों, ये तीनों ही तो क्लिक की थी मैंने, तो ये केवल उनको दिखाएगा। तो कस्टम स्लाइड शो में हमने क्या पढ़ा, कस्टम स्लाइड शो का मतलब ये उन्हीं को ही दिखाएगा जो हमने सेलेक्ट की है। और यू कैन ऑल्सो यूज F5 की, आपके कीबोर्ड में जो F5 की, क्योंकि की तो हमारे पास होती है ना कीबोर्ड में, तो हम जब F5 की को प्रेस करेंगे तब ये भी क्या है, स्लाइड शो का दूसरा की है, ठीक है। एक तो हम यहाँ ऑप्शन पे जाके यहाँ पे, और एक हम कहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे ये F5। और आप ये जो स्क्रीन है इसके बॉटम राइट में, अगर आप इस पे क्लिक करोगे ना, ये जो इस शेप का है बना हुआ टीवी शेप का, तो इससे भी क्या होगा, हमारी जो स्लाइड है वो दिखेंगी बच्चों, ठीक है। तो वो एक के बाद एक हम दिखा पाएंगे, तो ये है। तो आपके पास एक तो जो ऊपर स्क्रीन पे यानी कि यहाँ पे भी स्लाइड शो है, और जो बॉटम राइट कॉर्नर है यहाँ पे भी स्लाइड शो का ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हमने पढ़े कि डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में हमारी जो स्लाइड है वो कैसे दिखेगी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट। उससे पहले थोड़ा ये नोट में सेक्शन में क्या दिया है, द ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो फीचर रिक्वायर्स अ नेटवर्क सरफेस टू होस्ट द स्लाइड शो। जो ब्रॉडकास्ट फीचर है वो क्या दिखाएगा, हमारे स्लाइड शो दिखाएगा किसमें, जब हम नेटवर्क सर्विस यूज करेंगे। इसके लिए हमें जो URL है हमें वहां भेजना पड़ेगा वो लिंक, जिस ऑडियंस को हम दिखाना चाहते हैं, किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू। अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट, अब बच्चों एनिमेशन इफेक्ट अगर आप अपनी स्लाइड में यूज करोगे तो कैसे करोगे, ठीक है। एनिमेशन इफेक्ट हम कैसे यूज करेंगे किसी भी स्लाइड में, अप्लाइंग एनिमेशन इफेक्ट, एनिमेशन के लिए हमें यहां जाना पड़ेगा, ठीक है। और इस पे पहले इस स्लाइड को क्लिक करेंगे तब जाके एड एनिमेशन ऑप्शन वो हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें इसके बाद क्या करना है, जैसे कि मैं इस स्लाइड को, ये जो मैंने एनिमेशन इफेक्ट डाला तो ये ऐसे अपियर होगा, ठीक है बच्चों। अब मैं दूसरा डालती हूँ जैसे स्प्लिट का, तो ये ऐसे अपियर होगा। तो एनिमेशन में आप अपनी स्लाइड पे इफेक्ट डालते हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको मूव करवाना है या आपको कैसे उसको प्रेजेंट करवाना है एक यूनिक वे में, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसके अंदर आप एंट्रेंस इफेक्ट भी पढ़ते हो, यानी कि जब शुरू में एंट्रेंस यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो कैसे दिखेगा, ये देखिए, ठीक है। तो हम अलग अलग एनिमेशन इस पे डाल सकते हैं, और यही आपको नेक्स्ट वाले में भी दिया था। एनिमेशन में जाएंगे, स्लाइड पे क्लिक करेंगे, एड एनिमेशन जब तक नहीं किया तब तक तो आपका इफेक्ट होगा ही नहीं उस स्लाइड पे। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद जाएंगे, आपको इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इम्फेसिस इफेक्ट दे रखा है, इम्फेसिस इफेक्ट में कोई भी इफेक्ट चूज कीजिए वो आपको वैसे शो होगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा
कि जो एनिमेशन है वो हमारी स्लाइड पे इफेक्ट डालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए जाते हैं, पहले हम स्लाइड को क्लिक करेंगे फिर एड एनिमेशन पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट दे रखे हैं, आप उसको यूज करोगे। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा एनिमेशन के बारे में, उसके अंदर कौन कौन से इफेक्ट है, ठीक है। यही आपके इन बुक में बताया गया, इस पेजेस में आपके यही बताया गया है जो मैं आपको बता रही हूँ। और जब आप इनको इफेक्ट डालेंगे, जैसे कि इस पे हमने ये स्पिन इफेक्ट डाला, ठीक है, ये राउंड हो रहा है। अब एनिमेशन पे हमें ये दिखाएगा कि हमने इस पे कितने बार इफेक्ट डाला, जैसे हमने एक बार डाला है, ठीक है, तो वो एनिमेशन पेन ये दिखाएगा कि एक ही इफेक्ट डाला मैंने स्पीच पे, ठीक है। अगर मैं इसको प्ले करना चाहूं तो ये फिर से प्ले हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आपकी जो ये बुक में है, ये जो चैप्टर में है, ये जो इस पेज में बताया गया है, वो यही चीज बताई गई है जो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट आ गए, और एनिमेशन पेन में आप ये देखोगे कि जो भी आपने इफेक्ट डाला है वो कितनी बार डाला है, ठीक है। और आप क्या करोगे उसमें, जो आपने इफेक्ट डाला है उसको आप देख भी सकते हो क्लिक करके, आपने वो कैसे शुरू करना है, पहले करना है, बाद में करना है, उसकी टाइमिंग, उसको रिमूव भी कर सकते हो आप, ठीक है बच्चों। तो इस बुक, इस चैप्टर में, इस पेज में आपको यही बताया गया है कि एनिमेशन टेप, एनिमेशन पेन ये बताएगा कि आपने इस पे कितने इफेक्ट डाले हैं। जैसे मैंने एक इफेक्ट डाला है तो ये दिखाएगा, ठीक है। Choose the desired animation effect from the displayed menu. After applying N to object, you will notice that a number tag appear. ये हो गया number tag appear बच्चों, ठीक है। The effect option button in the animation group gives different direction option to each transition. और जो effect option है, यानी कि ये, अब मुझे ये बताना है कि ये कैसे करेगा, इस circle में ये box में move होगा, ये कैसे move होगा, तो ये मैंने effect option के अंदर बता दिया, ठीक है। सबसे पहले इफेक्ट डालने के लिए मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको, हमने स्लाइड चूज की, एड एनिमेशन किया, इतने सारे एनिमेशन हमें दे रखे हैं, हमने कोई भी एनिमेशन क्लिक किया, उसके बाद हमने इफेक्ट ऑप्शन पे जाना है। आपको अगर यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन कलर आ रहा तो इसके अंदर यही वाला इफेक्ट होगा, तो आपका ये कलर ऐसे शो करेगा, और एनिमेशन पेन में हमें ये दिखेगा कि हमने कितने इफेक्ट डाले हैं। तो बच्चों आपके जो बुक में यही इसी के बारे में बताया गया है। यू कैन ऑल्सो स्पेसिफाई, अब आपको जो आप एनिमेशन डाल रहे हो, ठीक है, जो आप एनिमेशन डाल रहे हो वो आपने उसको स्टार्ट कैसे करना है। जैसे मैंने इसको ये वाला डाल दिया, अब मैंने इसका स्टार्ट ऑन क्लिक पे किया, या एक के बाद एक किया, या इस पे पहले से आना चाहिए, जब मैं माउस से क्लिक करूंगी तभी होना चाहिए, ये हम यहाँ से करते हैं उसको स्टार्ट करने का तरीका। कितने देर तक वो इफेक्ट रहेगा, हम ये ड्यूरेशन यहाँ पे दे देंगे, यानी कि टाइम, और डिले यानी कि वो जो दूसरा इफेक्ट डाला मैंने वो एक तो हो गया, जो दूसरा वाला वो कितने टाइम बाद होगा, तो हमने उसमें डिले भी डाल दिया। तो बच्चों आपकी जो बुक में है यही बताया है, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक यानी कि जब आप माउस से क्लिक करेंगे तो वो बताएगा कि जो इफेक्ट है आपका, ठीक है, तो ये जब माउस से क्लिक किया वो तभी आया, ठीक है। विद प्रीवियस टू स्टार्ट द एनिमेशन एट द सेम टाइम एज द प्रीवियस एनिमेशन, बाय द वे आपको इसमें दो एनिमेशन डालने हैं, जैसे मैंने एक और डाल दिया व्हील, ठीक है, तो ये मैंने दो एनिमेशन डाल दिए, एनिमेशन पेन आ गया, ये मैंने दो डाल दिए। अब मुझे इसका टाइम क्या करना है, इसको मुझे ये फिक्स कराना है कि इसको जो ड्यूरेशन है वो इतनी हो और डिले इसमें इतना हो, यानी कि इसमें नहीं, सेकंड वाले में डालती हूँ अगर मैं डिले, ठीक है, इसमें मैंने इतने टाइम का डिले डाल दिया, तो जो पहला वाला इफेक्ट है और जो दूसरा वाला उसमें मैंने थोड़ा डिले कर दिया कि वो दूसरा वाला इतने टाइम के बाद शो होगा। तो हम ऐसे करके इसमें टाइमिंग सेट कर सकते हैं बच्चों। टू सेट द टाइमिंग ऑफ एनिमेशन इफेक्ट यूज द ड्यूरेशन बॉक्स अवेलेबल इन द टाइमिंग ग्रुप, जैसे कि आपने इस पे टाइमिंग डालनी है तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन यानी कि कितने टाइम तक वो रहेगा, यहाँ पे आप कोई भी टाइमिंग, ये जो है टैब, यहाँ पे आप कोई भी टाइमिंग रख सकते हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज द रीऑर्डर एनिमेशन ऑप्शन इन द टाइमिंग ग्रुप टू चेंज द ऑर्डर इन विच द एनिमेशन इफेक्ट्स अपीयर, अब आप इनका रीऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है, ये जो एनिमेशन है इसको आप क्या कर सकते हो, रीऑर्डर यानी कि एक के बाद एक, किसके बाद कौन आएगा वो आप रीऑर्डर भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है मूव अर्लियर, आप इसको पहले दिखाना चाहो तो ये पहले आ जाएगा, ठीक है। यू क्लिक ऑन द प्रीव्यू ऑप्शन इन द प्रीव्यू ग्रुप, अब आप ये जो प्रीव्यू ऑप्शन है यानी कि यहाँ पे दे रखा है, आप इससे देख सकते हो क्या जो आपका एनिमेशन इफेक्ट है, जब आपने दो तीन इफेक्ट डाल दिए तो उसके बाद वो कैसे प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, वो हम किस में देखेंगे, ये प्रीव्यू ऑप्शन में बच्चों, ठीक है। Applying transition. Transition appear when one slide changes to the other during the slide. So you can apply the transition effects to a single slide as well as to the all the slide. Follow these steps. अब हम transition पे जाएंगे बच्चों। तो ये animation के यहाँ पे है ना, इसी के side में transition. अब जो ये slide है, आप इसमें कैसा transition दे रहे हो? यहाँ से आपने choose कर देना है, ठीक है? अगर आप इसमें sound भी डालना चाहते हो, तो यहाँ से मैंने sound डाल दिया है, ठीक है? तो ये sound पे appear होगा। जैसे मैं preview में जाऊंगी तो यहाँ पे हमें साउंड मिलेगा, जैसे कि ये साउंड है तो
तो ये साउंड ऑप्शन आपको मिलेगा इस पे, ठीक है। तो आप साउंड का ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो कि कैसा आएगा साउंड का ऑप्शन। उसके बाद क्लिक ऑन द मोर डाउन एरो इफ यू वांट टू व्यू ऑल द ट्रांजिशन इफेक्ट एंड द करंट स्लाइड विल डिस्प्ले अ प्रीव्यू ऑफ द सेलेक्टेड इफेक्ट। और अगर आप उस स्लाइड में कैसा इफेक्ट आ रहा है ट्रांजिशन इफेक्ट उसको देखना चाहते हो तो आप प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। स्पेसिफाई द ट्रांजिशन टाइमिंग बाय एंट्रिंग, यहाँ पे आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हो और यहाँ पे आप सारी जो भी आपने स्लाइड बनाई सब पे ट्रांजिशन करना है तो ये अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन भी दिया जाता है बच्चों, ठीक है। और अगर आपको ये क्लिक पे ही करना है कि ट्रांजिशन हमारा जब हम माउस को क्लिक करें तो आपके पास ये ऑप्शन भी दे रखा है, इसको अगर आप ऐसे टिक करोगे तो उसका मतलब जब आप माउस पे क्लिक करोगे तो आपकी ट्रांजिशन प्ले हो जाएगी। तो अप्लाइंग ट्रांजिशन हमने ये देखा, ठीक है बच्चों। क्लिक ऑन द आफ्टर चेक बॉक्स इफ यू वांट द स्लाइड टू एडवांस ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट वन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप एक के बाद एक स्लाइड को देखना चाहते हो यानी कि उसमें जो इफेक्ट है वो एक के बाद आए, तो यहाँ पे आप उसका टाइमिंग ऐड कर सकते हो ऐसे करके इस वाले ऑप्शन में जाके, ठीक है। क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल, जैसे कि मैंने बताया ये सब स्लाइड पे आप अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई टू ऑल ऑप्शन पे क्लिक किए। नाउ क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब एंड चूज फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन, द प्रेजेंटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग अलोंग विद द ऑल अप्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट। तो अब आप देखेंगे कि जितनी भी आपकी जो स्लाइड बनी है अगर आप उनको बिगनिंग से स्टार्ट करते हो तो आपके जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो कैसे दिखेगा। यू कैन ऑल्सो अप्लाई द ट्रांजिशन इफेक्ट इफ यू आर वर्किंग इन द स्लाइड सॉर्टर व्यू, अगर आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में वर्क कर रहे हैं तो आप वहां भी ट्रांजिशन इफेक्ट देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने अभी पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा कि जो भी हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड बनाते हैं वो हमारा प्रेजेंट करने का वे है और उसमें हमें इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं यानी कि हम अपने जो भी आइडियाज को कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो हम अच्छे वे में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इफेक्ट डाल के ट्रांजिशन डाल के टाइमिंग डाल के हम ऐसे अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि हम कैसे अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको और अच्छा बना सकते हैं और हमें कैसे कैसे उन ऑप्शन का यूज करना है, हमें किस स्टेप पे जाना है। तो बच्चों आई होप आपको आज ये चैप्टर कंप्यूटर का थोड़ा भी, मेरी कोशिश तो ये रही कि मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करा सकूं, तो जितना भी आपको समझ में आया होगा और आपको ऐसा लगा होगा कि मेरी ये वीडियो हेल्पफुल रही आपको कंप्यूटर जो ये चैप्टर है उसको थोड़ा समझाने में उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड लाइक करना ना भूलें मेरे वीडियोज को। थैंक्स।